सबको वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। सुबह के 8 बज रहे हैं, ठीक है, और हम लोग उठ गए हैं रेडी होने के लिए। अलार्म हम लोग उठ गए रेडी होने के लिए क्योंकि हम लोग आज 30 किलोमीटर ड्राइव करके जाना है एक जगह जो मैं भूल गया नाम, तुमको पता है? कहाँ जाने वाले थे? और इसको भी नहीं याद, तो हम लोग को जाना है बस। लड़कियां रेडी हो रही हैं, उनको थोड़ा टाइम लगेगा, लगेगा शायद, हाँ लगेगा। हम लोग भी बस अब रेडी हो जाते हैं, फिर निकलेंगे फटाक से उसके लिए। एक और चीज़, कल रात में जब हम लोग खाने गए थे तो एक बहुत प्यारी सी बच्ची थी, उसका नाम मन्नत था। वो अपनी फैमिली को छोड़ के हम लोग के साथ आके बैठ के खा पी रही थी, तो उसका एक क्लिप मैंने रिकॉर्ड किया, वो दिखाता हूँ और व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। ये लोग भी हो गए रेडी। आकांक्षा कुछ लास्ट मिनट थिंग्स करते हुए, बहना अपने शूज पहन रही। हाय बहना। हाय आकांक्षा। हाय। आज हम लोग लड़ेंगे नहीं ना? बिल्कुल नहीं। ठीक है, लड़ेंगे तो कैमरा में नहीं आएगा। जैकेट ले ले रहा हूँ एज अ बैकअप, और रेनकोट्स हमारी स्कूटी में है ऑलरेडी, तो बस अब शूज पहनते हैं नीचे और निकलते हैं सब लोग, क्योंकि ड्राइव भी 30 किलोमीटर्स करना है, तो इट विल टेक सम टाइम, तो जितना जल्दी निकले उतना अच्छा है। ये लोग ऑलरेडी रेडी होके वेट कर रहे हैं हमारा। मैं चलता हूँ स्कूटी में, ये रख देता हूँ सामान को एडजस्ट करते हुए स्कूटियों के बीच। ये देखो रेनकोट, और यहाँ पे फोटो सेशन चलता हुआ, एक वादियों में मस्त, और एक अभी आई नहीं है ऊपर, फ़ोन पे मैनेजर का फ़ोन आया उसका, उसी से बतिया रही है। अब जब आएंगी तो हम लोग सब निकलेंगे। निकलने से पहले बारिश आ गई यार, काफ़ी दूर आ चुके हैं, यहाँ पे रुके हैं खाना खाने के लिए। सब लोग जा रहे कुछ खा लेते हैं, सुबह का नाश्ता नहीं किया, नाश्ता करते हैं और फिर निकलते हैं बाकी का रास्ता कवर करने के लिए। ये खा लिए, काफ़ी कुछ खा लिया, अब चल रहा है मैगी और चाय। कसोल, मतलब बहुत ज़्यादा पहाड़ चढ़े हैं, फिर पहाड़ उतरे हैं और फिर पहुँचे हैं। ये अभी रुके हुए हम लोग कुछ प्लेसेस डिस्कवर कर रहे हैं गूगल पे कि कहाँ जाएँ कहाँ नहीं, तो वो देख के फिर निकलते हैं। थोड़ा फ्यूल का भी कष्ट हुआ है शिवाशीष के स्कूटी में, तो यहाँ पे कोई पेट्रोल पंप नहीं है, लेकिन खुले में मिलता है तो वो खुले वाला देखेंगे और लेंगे। ये देखो गधे, इनको नहीं बोल रहा था मैं, इनको बोल रहा था। चलो कंटिन्यू करते हैं व्लॉग। गाड़ी वगैरह पार कर दी अब हम लोगों ने, इधर है वो मंदिर गुरुद्वारा कोई, तो अभी हम लोग उधर जाएंगे हम लोग सारे गुरुद्वारे। अभी यहाँ पे थोड़ा सा देखते हैं अंदर, उसके बाद निकलेंगे कुछ खाने पीने के लिए। लोग अंदर, अच्छा स्माइल किया, अच्छा वे में हम लोग वो स्टीम वाली जो यहाँ पानी है इसके भाप आ रहे हैं। शिवाशीष थोड़ा थोड़ा गर्म लग रहा है ना? यहाँ पे लंगर चल रहा है, देखेंगे अगर पॉसिबल हो पाएगा तो हम भी खाने की कोशिश करेंगे लंगर। पान सब लोग ये बांध देंगे, बंदा होता है बस लगाना है शायद।
पता नहीं मैंने सही बांधी है या गलत, बट बांध ली है। अब चलते हैं अंदर। ये पानी क्रॉस कर रहा है और ये ब्रिज, और इसी के ऊपर ये है गुरुद्वारा। ये कितनी अच्छी बना रखी है यार। दूसरे वाले फोन में पता नहीं ये क्या आईफोन अनअवेलेबल आ गया, इसको देखूंगा ये क्या चीज़ है। 13 मिनट्स के लिए आई कैनॉट यूज दिस, तो अब XR से वीडियो बना रहा हूँ। ये जा रहे हैं हम लोग नीचे वहाँ पे, तो एक सॉर्ट ऑफ ट्रैकिंग है, आराम से धीरे धीरे नीचे जाएंगे, फिर वहाँ जाके आपको बाकी की वीडियो दिखाता हूँ। अब हम लोगों को ये ब्रिज क्रॉस करना है और जाना है उस तरफ। ब्रिज क्रॉस्ड, अब ऊपर की तरफ देखते हैं कुछ खाने पीने का, खाते पीते हैं, पेट पूजा करते हैं, फिर से 2 घंटे हमें ड्राइव करना है 68 किलोमीटर्स और वापस अपने कॉटेज। बालों की बच जा रही है बैंड यार हेलमेट की वजह से, इग्नोर करना उसको, एंजॉय करो व्लॉग को और सीनरी को, और एंड में फोटोज़ तो होते ही होते हैं, तो वो ज़रूर देखना। यहाँ टिकली अलग वीडियो बना रही है। सर फाइनली 14 का टाइम इज अप और उसको मैंने अनलॉक कर लिया। देख रहे होगे हम पिछले 7-8 मिनट से अभी चल रहे हैं, अभी शायद थोड़ा और चलना है, उसके बाद पहुंचेंगे अपनी पेट पूजा के लिए। ये हम लोग सब बैठ गए, ये हमारा स्पॉट, और अभी अपना मंगाएंगे हम अपना लंच और करेंगे लंच, उसके बाद निकलेंगे वापस कॉटेज के लिए। खाना शुरू हो गया और लोगों का खाना भी शुरू हो गया। उधर भी खाने लग रहे हैं, 3 लोग उधर बैठे हैं और हम 3 लोग इधर बैठे हैं। चुवाले कितनी अच्छी लग रही है, तुम देखो ऐसे बैठ के खा रहे। इससे जज मत करना ठीक है ना, अभी बहुत खाना आने वाला है। ये इसने देखिए एक चम्मच यहाँ का रेस्टोरेंट का कहाँ फेंक दिया, ये देखिए मतलब खाना थोड़ा सा भी अच्छा नहीं लगेगा तो बदला ऐसे लिया जाएगा। ये बहुत बढ़िया काम निकल गया है वापस जाने के लिए, खाना वाना हो गया है और बारिश देख रहे हो, बारिश शुरू हो गई है। रेनकोट हमारी स्कूटी में ही है, तो जल्दी से जाते हैं स्कूटी से रेनकोट निकालते हैं और निकलते हैं घर के लिए। पहाड़ उतरना है हमें, तो अंधेरे से पहले उतर ले तो बेहतर रहेगा, है कि नहीं भाई? तो बस जल्दी से जाते हैं, इसको कुछ नहीं बोलेंगे, आपको पता है क्यों, लात वात पड़ जाएगा। तो बस निकलते हैं अब जल्दी से, ये देख लो नज़ारे वज़ारे, और रेनकोट पहनते हैं सबसे पहले अच्छे से। ये तीनों भी आ रहे हैं, हम लोग आगे आगे चल रहे हैं, ये पीछे पीछे। इतनी ख़तरनाक बारिश हो रही है ना कि जो भी हम लोग चला रहे हैं एकदम छेद कर गई है बारिश की बूंदें हम पे, देख रहे। और अभी हम लोग रुके हैं यहाँ चाय वाय पीने के लिए, चाय पीते हैं। अभी इन्होंने बोला था कि अराउंड 68 किलोमीटर है, नहीं लेकिन ये 80 किलोमीटर है, 80 किलोमीटर। तो अभी ये और 30 किलोमीटर बचा है, 30 किलोमीटर अभी और हमें चलाना है, तो चलाते हैं, पहुंचते हैं वापस, फिर इसको वाइंड अप करेंगे। चाय भैया, मेरा चाय भैया, मेरा चाय, मेरा भी उठा लो ना भाई, हमें लग रही है यार बेचारी कब कपा रही। भैया हमको लगा स्टील का ही तो हल्का है। तो अभी बज गए हैं रात के 9:20, दिख ही रहा होगा। रेनकोट्स हम लोगों ने, वो देखो वहाँ पे हम लोगों ने अभी अपने अपने रेनकोट्स डाल दिए। 80 किलोमीटर से भी ज़्यादा है। मुझे एक बहुत अच्छा फीडबैक मिला मेरे व्लॉग पे कि आप बहुत अच्छा व्लॉग बना रहे हो, लेकिन और मेरे फ्रेंड्स ने भी कहा कि लेकिन आप ये भी करो कि आप जहाँ रुक रहे हो बताओ कि वहाँ कितना कॉस्ट लगा, कितने में आपका हो गया, कितने दिन का स्टे, स्कूटी ली तो कितने में स्कूटी मिल गया, कहीं जाते हो तो कितने किलोमीटर्स होते हैं, कैसे जाना सही रहेगा। तो इट इज़ अ वैलिड पॉइंट। तो आज के व्लॉग को तो मैं यहाँ एंड कर रहा हूँ, मुझे माफ़ करना इसके लिए। कल से मैं कुछ भी करूँगा आई विल ट्राई टू गेट मोर डिटेल्स, ताकि कोई अगर आ रहा है तो उसको हेल्प भी हो और साथ साथ जो आप लोग इन्जॉय कर रहे हो वो भी हो। तो उसके लिए अब चलो करते हैं इस व्लॉग को यहाँ एंड। थैंक यू सो मच, आज के व्लॉग को भी उतना ही प्यार देना जितने बाकी 2 को दे रहे हो, पूरे सीरीज को दे रहे हो, एंड फोटोज एंड में इन्जॉय करो। सी यू ऑन डे 4 नाउ।